आयतुल्ला शम्सुद्दीन अपनी किताब में एक जवान का वाकया बयान करते हैं, तालिब इल्म था। कहते हैं मैं बाजार से गुजर रहा था तो एक नामहरम पर मेरी निगाह पड़ी और उसने मेरी निगाह को खींच लिया, अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। तस्वीर ज़ाहिर फ्रेम में आ जाती है। अभी बहुत से लोग कहते हैं नीयत अच्छी होनी चाहिए, नीयत तो ख़राब नहीं थी, मैं देख रहा था, तस्वीर तो आ गई ना जहन में। तो आप रुकिएगा, आज इस तस्वीर को मैं आपकी सही करूँगा इंशाल्लाह, तस्वीर तो आ गई। अब वो कहता है कि मेरा जहन उसी में जज्ब हो गया, मैं अपने उस्ताद की खिदमत में गया। उस्ताद कौन है? उस्ताद वो है कि जो बातिन को देख लेता है। लोग अपने बातिन को दिखाने आते थे कि मेरे अंदर गड़बड़ क्या है। कहता मैं जैसे ही उस्ताद के पास गया, मैंने उस्ताद से कहा कि मेरी तरफ मेरा क्या हाल है? कहा कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हारे साथ वो खातून मौजूद है। यानी एक निगाह 40 साल की इबादत को जाया कर देती है, एक निगाह। ना फर्क नहीं पड़ता क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, नीयत अच्छी होनी चाहिए। यहां नमाज पढ़ी इबादत की, यहां निगाह पड़ी, नूर चला गया, नूर चला गया, जुल्मत आ गई। और बाज़ औक़ात ऐसी जुल्मत आती है कि इबादत को भी कहा जाती है, तारीकी में ले जाती है, नहीं हटती। इसलिए इमाम खुमैनी ने कहा कि एक निगाह ना महरम सदियों के फासले पे फेंक देती है, जहन में बस गई। कहा कि जब तक ये तुम्हारे अंदर औरत है मैं तुम्हें देख ही नहीं सकता। बहुत शर्मिंदा हुआ, सजदे में गया, क्रिया करता रहा, खुदा गलती हो गई, खुदा माफ कर दे। मुत्तसिल हुआ हजरत सैयदा से, कहा बीबी मेरी इज्जत आपके हवाले है, बचा ले मुझे। आप देख रहे हैं एक ने कहा, बीबी ने लुत्फ किया, निकाल दिया बाहर। फिर उस्ताद के पास गया, कहा अब चली गई है वो तुम्हारे अंदर से। हम सुबह शाम क्या कर रहे हैं? तो सिस्टम ऐसा ही है ना, आप अच्छा काम भी करेंगे आपको आएगा। कैसे अपने आप को बचाएं अज्जा ने मोहतरम? मजलिस सुनते हैं, क्रिया करते हैं, नूर आता है, नूरानी हो जाता हूं, फिर खुदा ना खास्ता को गलती हो जाती है, गया फिर गया, फिर भी खुदा लतीफ है, करीम है, रहमान है, रहीम है, मौका देता है, आओ फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर। लेकिन ये ना हो किसी इसी आने जाने के रास्ते में अगर रूह निकल गई ना, फिर नहीं बता किसी को नहीं बता। अगर रूह कब निकल जाए वही हालत बरज़ख में होगी, या तो कोई उस, अब हर किसी के पास तो ऐसा उस्ताद भी नहीं है कि वो देखे, नफूस के अंदर दाखिल हो जाए, नफ्सों में दाखिल हो जाए,